हेलो डियर स्टूडेंट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मार्केटिंग मैनेजमेंट या फंडामेंटल मार्केटिंग में एक इम्पोर्टेंट स्थान रखता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की आज फर्स्ट वीडियो है यानी फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो को देखने के बाद आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मीनिंग डेफिनेशन फीचर्स और फंक्शंस को अंडरस्टैंड कर लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की दो या तीन और वीडियो मैं शेयर करूंगा ताकि आपका ये चैप्टर कंप्लीट रूप से एग्ज़ाम के लिए तैयार रेडी हो जाए चलिए स्टार्ट करते हैं यदि मीनिंग की बात करें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मार्केटिंग मिक्स में जो फोर एलिमेंट्स हैं मार्केटिंग मिक्स के प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन तो प्लेस को ये डिनोट करता है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू टाइम और प्लेस यूटिलिटी को क्रिएट किया जाता है जो किसी भी मार्केटिंग के अंतर्गत कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करने का एक इम्पोर्टेंट हथियार है कंसेप्ट होता है मीनिंग की बात करें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज ए पीपल, फॉर्म एंड इंटरमीडियरीज विच हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ कंजप्शन इसका अर्थ है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक वो चेन सिस्टम है वो चेन होती है वो, है वो चेन है पीपल्स की फर्म्स की इंटरमीड की जो किसी भी वस्तु और सर्विस के ऑनरशिप को ट्रांसफ़र करने में ट्रांसफ़र कहाँ से फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से लेके पॉइंट ऑफ कंजप्शन तक ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है यानी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में पीपल्स फर्म और कुछ इंटरमीडियरीज जिसको मिडल मैन कह सकते हैं वो शामिल होते हैं जो किसी वस्तु या सेवा के ओनरशिप को प्रोडक्शंस प्लेस से कंजप्शन प्लेस तक ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है हेल्प करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आल्सो कैन बी डिफाइंड एज ए पाथवे और रूट बाय विच द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पास अवे फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को उस रास्ते पर या उस पाथ वे या रास्ते के रूप में भी डिफाइन किया जा सकता है जिसके थ्रू प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचती है या पास होती है इसी प्रकार से लास्ट में वी कैन से कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज ए पाथवे एक पाथ एक रास्ता है और रूट कंपोज ऑफ इंटरमीडियरीज जो इंटरमीडियरीज से कंपोज यानी बना उसका संगठन कैसा बना होता है इंटरमीडियरी से ऑल्सो कॉल मिडल मैन हु परफॉर्म सच फंक्शन एज नीडिड टू एंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग एंड्स टू द कंज्यूमिंग एंड्स इन ऑर्डर टू ऑबटेन मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ ए बिजनेस कंसर्स डिस्ट्रीब्यू चैनल या चैनल डिस्ट्रीब्यूशन्स इज पाथवे होता है एक रास्ता एक वे होता है जो कंपोज जो इंटरमीडियरीज जिसको हम मिडलमैन कहते हैं वो उसमें शामिल होते हैं वो ये मिडलमैन इंटरमीडियरीज वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो मार्केटिंग के ऑब्जेक्ट को ऑप्टेन करने के लिए जरूरी होते हैं और किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के स्मूथ आसान फ्लो आसान प्रोडक्शन प्लेस से कंजेंसन प्लेस तक की परवाह को आसान बनाने के लिए काम करते हैं दूसरे अर्थ में वी नो दैट कि मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर्स अपने सभी प्रोडक्ट को कंज्यूमर को डैट सेल नहीं कर सकते और नहीं करते तो ये मिडल मैन या वी कैन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की कंपोज जो मिडल मैन हैं वो उनकी हेल्प के द्वारा ही प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट या सर्विस का मूवमेंट कराता है जिससे कि वो प्रोडक्शन प्लेस से कंज्यूमर प्लेस तक बिना किसी रुकावट के स्मूथली पहुंच के तो जो एजेंसीज़ जो व्यक्ति जो फर्म्स ये वर्क परफॉर्म करते हैं या हेल्प प्रोवाइड करते हैं वस्तु और सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर या वीकेंड से प्रोडक्शन प्लेस से अल्टीमेटली कंज्यूमर तक पहुंचाने में जो सहायक या सहायता करते हैं वो सभी किस में आते हैं वो सभी शामिल होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में तो आई थिंक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का काम क्या है कि प्रोडक्शन प्रोड्यूस प्रोडक्ट प्रोडक्ट और सर्विस को प्रोडक्शन प्लेस से अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने में हेल्प प्रोवाइड करने तो आई थिंक ये मीनिंग आपके समझ में आया होगा अब डेफिनेशन देखते हैं हर अच्छी बुक में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेफिनेशन गिवन होती है तो मीनिंग के बाद डेफिनेशन डिस्कस करते हैं तो हेयर वी विल डिस्कस टू डेफिनेशन फर्स्ट अकॉर्डिंग टू फ्लिप कॉटलर एवरी प्रोड्यूसर सीक टू एवरी प्रोड्यूसर सीक टू लिंक

द बेस्ट फुलफिल ताकि वो फर्म के ऑब्जेक्ट को अच्छी प्रकार से ऑप्टेन कर सके तो सेट ऑफ मार्केटिंग इंटरमीडियट यानी इन इंटरमीडियज का जो सेट है जो ग्रुप है जिसमें होलसेलर रिटेलर शामिल होते हैं वो सब क्या कहलाते डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहलाते हैं अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रा कंपनी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स एंड एक्स्ट्रा कंपनी एजेंट्स एंड डीलर्स होल सेल एंड रिटेल थ्रू विच ए कम्योडिटी ए प्रोडक्ट और सर्विस इज मार्केटेड चैनल डिस्ट्रीब्यूट स्ट्रक्चर होता है इंट्रा कंपनी खुद का ऑर्गेनाइजेशन और एक्स्ट्रा में कंपनी के एजेंट्स होते हैं डीलर होते हैं होलसेलर होते हैं रिटेलर होते हैं, हो, होते हैं जिनके द्वारा कम्योडिटी और प्रोडक्ट को मार्केटेड यानि मार्केट में कंज्यूमर के पास भेजा जाता है सो so, आपको डेफिनेशंस भी समझ में आई होगी और इसका मीनिंग आपका क्लियर हो गया तो मीनिंग क्या हुआ कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स वो पाथ है वो रास्ता है जिस पर प्रोडक्ट और सर्विस जब तक अल्टीमेट कंज्यूमर तक पे नहीं पहुंच जाती हैं तब तक प्रवाह करते हैं या उस पर चलते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में वो सभी पीपल एक्टिविटीज़ फंक्शन ये एक एक्ट्री शामिल की जाती हैं जो प्रोडक्ट और सर्विस के प्रोडक्शन प्लेस से कंजम्पशन प्लेस तक पहुँचाने से संबंधित होते हैं या पहुँचाने में सहायता करती हैं इट इज़ कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सो आई थिंक ये पॉइंट आपके क्लियर हुआ होगा नेक्स्ट डेफिनेशंस और मीनिंग डिस्कस करने के बाद ऑलवेज हम डिस्कस करते हैं कैटेस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की फ़ीचर्स क्या है तो आफ्टर डिस्कशन मीनिंग और डेफिनेशन करने के बाद दे आर सो मैनी फीचर्स केम कैम लाइट तो फर्स्ट फीचर है रूट और पाथवे रूट और पाथवे का मतलब है कि चैनल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक पाथवे है एक रूट है थ्रू विच जिसके द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शंस से प्रोड्यूसर से अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचती हैं या उनका फ्लो होता है यानी एक पाथ है एक रास्ता है जिस रास्ता है जिसके थ्रू वी कैन जिसके थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो फ्रॉम द प्रोडक्शन प्लेस टू द कंज्यूम कंजन प्लेस फ्लो ऑफ गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल गुड्स और सर्विसेज के फ्लो करने में ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है इसी रास्ते के द्वारा इसी वे के द्वारा इसी प्रोसेस के द्वारा प्रोडक्ट्स की उनका परवाह होता है फ्रॉम कहाँ से कंज्यूमर प्रोडक्शन प्लेस से अल्टीमेट कंज्यूमर की तरफ कंपोजिशन कंपोजिशन जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है जो, जो कंपोज्ड है उसमें डिफरेंट टाइप के इंट, इंटरमीडियरी शामिल होते हैं जिसको हम मिडलमैन एजेंट होलसेलर रिटेलर एक्सेट्रा कहते हैं और वो इस फ्लो में यानी गुड सेंस सर्विस का फ्लो करने में ट्रांसफ़र करने में अपनी इच्छा से अच्छे क्रूप्स उसमें शामिल होते हैं उन पर कोई दबाव जबरदस्ती नहीं होती है फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के फंक्शन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में जो इंटरमीडियरीज है जो एजेंट हैं जो मिडल मैंस हैं जो इंटरमीडिएट हैं वो डिफरेंट टाइप के फंक्शन परफॉर्म करते हैं लेकिन जो मेन फंक्शन परफॉर्म है इनका मेन फंक्शन है वो सुविधा प्रोवाइड करते हैं कि ऑनरशिप टाइटल और अधिकार को गुड्स और सर्विस का जो अधिकार है जो ऑनरशिप है उसको एक संस्था से एक व्यक्ति से दूसरी संस्था दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र करने में में मेन काम करते हैं सो वी कैन से इसका मेन फंक्शन क्या हुआ कि मेन फंक्शन द दिस इंटरम्यूडियज प्रोवाइड द हेल्प इन ट्रांसफर द ट्रांसफ़र ऑफ द ऑनरशिप ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम प्रोडक्शन टू द प्रोड्यूसर प्लेस टू द कंज्यूम कंजन यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक ये ट्रांसफ़र करते हैं रेमोनेशन रेमोनेशन की बात कर जो इंटरमीडियरीज हैं डिस्ट्रीब्यूट चैनल में जो भी इंटरमीडिएट वर्क परफॉर्म करते हैं उनको अपनी सेवा या वर्क के बदले में उनको रेमोनेशन मिलता है रेमोरेशन जनरली में भी प्रॉफिट के फॉर्म में हो सकता है या कमीशन के फॉर्म में होल सेलर को कमीशन भी मिल सकता है रिटेलर को प्रॉफिट या मार्जिन वो ले सकते हैं तो इन सब रेमोरेशन भी मिलता है जो अपनी सर्विस यानी गुड्स को एक साथ दूसरे स्थान पे या प्रोडक्शन प्लेस से कंजपसन प्लेस में ट्रांसफ़र कर जो हेल्प कर उनके बदले इन सबको बिहाफ ऑफ देयर सर्विस रेमोलेशन भी मिलता है मर्चेंटाइल एजेंट इट मे बी इंक्लूड इसमें कुछ संस्थाएं भी शामिल इंस्टीट्यूशन भी शामिल होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मैंने कहा इंस्टीट्यूशन भी शामिल जैसे बैंकिंग संस्थाएं वेयर हाउसेज हैं इंश्योरेंस हाउस संस्थाएँ हैं प्रमोशनल एजेंसी हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी हैं ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मार्केटिंग सर्विस परफॉर्म करती हैं और हेल्प प्रोवाइड करती है मार्केटर को अपने ऑब्जेक्ट को ऑप्टेंड करने में बट ये बट ये सारी संस्थाएं इंस्टीट्यूशन है, जो हैं जो मर्चेंटाइल एजेंट्स हैं ये वस्तु तो प्रोडक्ट और सर्विस को सेल और परचेज में बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं करती हैं ये दूसरी सहक्रियाँ करती हैं जिसके थ्रू सेल परचेज पॉसिबल हो सकता है सो वी कैन से जो अल्टीमेटली कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैं उसमें प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर और मिडलमैन के रूप में होलसेलर रिटेलर और एजेंट सभी शामिल होते हैं सो दीज आर द फीचर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के यदि ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो मेन ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का होता है कि सप्लाई और डिमांड में मैच करना यानी उनमें मैचिंग रहे और मैचिंग प्रोसेस जो है इसको अंडरटे कन इसको परफॉर्म कौन करता है मैचिंग प्रोसेस परफॉर्म किस द्वारा की जाती है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के द्वारा जिसमें इंटरमीडियरी जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के काम परफॉर्म करते हैं वर्क परफॉर्म करते हैं जैसे वो कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं सॉर्टेज करते हैं डिमांड मेंटेन करते हैं इन्वेंट्री को मेंटेन करते हैं ट्रांसफर में ट्रांसफ़र करने में रोल प्ले करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं वी कैन एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एज पर द फॉलोइंग वे तो नंबर फर्स्ट है कॉन्टैक्ट बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के द्वारा जो प्रोड्यूसर है मार्केटर है उत्पादन करता है वो अपने कंज्यूमर्स कंज्यूमर consumer के साथ कांटेक्ट रख सकता है यानी वो कांटेक्ट में कंज्यूमर आ जाते हैं क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो मीडियम हैं इंटरमीडियरीज़ हैं उनका कॉन्टैक्ट किसी न किसी किसी ने किसी स्टेक होल्डर का कंज्यूमर से होता है तो अल्टीमेटली वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूसर के पास पहुंच जाती है तो वी कैन से कि मेन जो इसका काम हो गया कि ये कंज्यूमर से कांटेक्ट कराता है कांटेक्ट में रखता है किसको प्रोड्यूसर की और उससे इस प्रकार जो इन्फॉर्मेशन ऑप्टेंट होती है वो कंज्यूमर के बिहेवियर संबंधित होती है कंज्यूमर के डिजायर संबंध होती है जो मार्केटर को या बिजनेसमैन को या प्रोड्यूसर को प्रोडक्ट से रिलेटेड पॉलिसी स्ट्रेटजी बनाते समय मार्केटिंग से संबंधित स्ट्रेटजी पॉलिसी बनाते समय बहुत हेल्पफुल होती है इज अ फंक्शन सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कंज्यूमर को ज़्यादा ज़्यादाफाइड सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराता है क्योंकि हो सको क्योंकि प्रोड्यूसर के द्वारा कंज्यूमर के बीच में कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में काफ़ी गैप हो जाता है इसलिए वो सारी सुविधा उनको प्रोवाइड नहीं कर सकता है बट थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कंज्यूमर्स को डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट अवेलेबल कराते हैं उनकी अकॉर्डिंग टू डिज़ायर को पहचान डिज़ायर के अनुसार उनके साइज़ कलर प्राइस के आधार पे उनको जो रिक्वायरमेंट है उनके जो फैशन के अनुसार प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि मिडल मैन के द्वारा कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है तो वी कैन कि सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर भी किसका फंक्शन है ट्रांसफरिंग द टाइटल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो मेन इसका काम है या भी कैन अभी डिस्कस किया था हमने फीचर्स में कि प्रोडक्ट और सर्विस के टाइटल यानी ऑनरशिप को ट्रांसफर करता है किसके थ्रू सेल और परचेज के थ्रू जब कोई व्यक्ति किसी प्रोडक्ट परचेज हो, हो, करता है या होलसेलर ट्रांसफर करता है रिटेलर ट्रांसफर करता है सेल करता है कंज्यूमर को तो इस प्रोसेस में उनकी ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है मालिकाना हक ट्रांसफ़र हो जाता है इट डिलीवर्स द राइट प्रोडक्ट और इस ट्रांसफर द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल राइट प्रोडक्ट राइट प्लेस पे राइट right टाइम पे और राइट right प्राइस पे कंज्यूमर को प्रोवाइड करवाते हैं फिक्सिंग प्राइस द इंस्टीट्यूशन फंक्शन एज ए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मैन्युफैक्चर को प्राइस सेट करने में भी असिस्ट करते हैं सहायक करते हैं क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के द्वारा टाइम टू टाइम कंज्यूमर के बारे में मार्केट के बारे में कंपटीशन के बारे में कोस्ट के बारे में सही और सही और स्टिक और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मार्केटर को बिजनेसमैन को प्रोड्यूसर को मिलती रहती है जिसके आधार पे वो मिलकर प्राइस सेट अकॉर्डिंग टू मार्केट प्राइस सेट कर सकते हैं सो वी कैन से प्राइस फिक्सिंग में भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक इम्पोर्टेंट वर्क परफॉर्म करता है नेक्स्ट है परफॉर्मिंग प्रमोशनल एक्टिविटीज़ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की जो इंटरमीडिय मिडल मैं होल होलसेलर रिटेलर प्रेजेंट टाइम में प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं चलिए हम डिस्कस कर चुके कई बार पहले कि प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन तो करता ही है लेकिन होलसेलर सेलर दे आर सो मैनी नेचर प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें होलसेलर रिटेलर होलसेलर भी प्रमोट करते हैं और अल्टीमेटली अगर रिटेलर भी सेल्स प्रमोशंस या डेमोस्ट्रेशन अपनी शॉप में सामान को मेंटेन करता है रखता है स्टोर में रखता है उस आधार पर वो डेमोस्ट्रेशन के रूप में शो केस के रूप में एडवर्टाइज प्रमोशन कर रहा होता है सो वी कैन से कि प्रमोशन फंक्शन भी मिडलमैन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है नेक्स्ट फंक्शन ऑफ फाइनेंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फाइनेंस भी प्रोवाइड करते, है, है, करते हैं फाइनेंसिंग का फंक्शन भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसको परफॉर्म करते हैं फंक्शन परफॉर्म करते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है टू टाइप से फाइनेंस का फंक्शन काम करते हैं एक तो करते हैं कि वो प्रोड्यूसर को एडवांस में ऑर्डर देते हैं ऑर्डर के विहाफे एडवांस में रेमिट मनी सबमिट करते हैं जिसका एडवांस है और इस आधार पे पर प्रोड्यूसर को फाइनेंस वहाँ अरेंज हो जाता है दूसरा वो हो सकता है रिटेलर्स को या रिटेलर या कंज्यूमर रिटेलर या होलसेलर कंज्यूमर को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं दोनों ही सिचुएशन में फाइनेंस को वह क्रिएट करते हैं तो फाइनेंस का अरेंजमेंट का भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यदि एक बार चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का रूटेनाइज द सेल की एक बार उनका सिस्टम बनने के बाद सेल्स में रूटीन आ जाती है कि यदि आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सिस्टम तैयार हो जाता है तो ऑटोमेटिक जो सेल का एक प्रोसेस ऑटोमेटिक वो स्टार्ट हो जाती है प्रोड्यूसर से होल सेलर होल से रिटेल रिटेलर से कंज एक सर्कल एक तैयार हो जाता है और इस आधार पे वी कैन से जो सेलिंग की जो प्रॉब्लम है जो सेल करने की प्रॉब्लम है जो समस्या होती है वो ऑटोमेटिक सोल्ड हो जाती है इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ दिस चैनल और इस प्रकार से जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की कॉस्ट बार बार आती है वो कम हो जाती है क्योंकि एक सिस्टम एक चैन बन जाती है और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को मिनिमम किया जा सकता है इट इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट फंक्शन फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल विद द इंक्रीज इन द एरिया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कंज्यूमर्स के बारे में सही जानकारी प्रोड्यूसर को प्रोवाइड करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं क्योंकि जब जब से मार्केट का साइज़ लार्ज हो गया है स्कैटर्ड कंज्यूमर पूरे एरिया में स्कैटर्ड हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में कंज्यूमर नहीं मिलते तो एक डिस्टेंस काफ़ी क्रिएट हो गया है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में प्रोड्यूसर को कंज्यूमर के बारे में सही जानकारी की आवश्यकता सही इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होती है और सही इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराने का काम मिडलमैन करते हैं सो मिडल कैन प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में कड़ी एक लिंक का एक ब्रिज का, का काम क्रिएट करते हैं कंज्यूमर की इंफॉर्मेशन कंज्यूमर का बिहेवियर नीड और डिज़ायर को को ट्रांसफर करते हैं प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर्स के इंसेंटिव को ट्रांसफर करते हैं कंज्यूमर को सो इन लास्ट वी कैन से कि द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्रेजेंट टाइम में एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस के रूप में वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं सो दैट दे मे बी प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर यानी कम्युनिकेशंस होने के आधार पे कंज्यूमर की नीड्स और डिज़ायर की सही जानकारी मिलती है और प्रोड्यूस प्रोड्यूसर उनकी नीड्स और डिज़ायर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल को हाई कर सकता नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प इन प्रोडक्शन फंक्शन हेल्प इन प्रोडक्शन फंक्शन हालांकि प्रोडक्शन फंक्शन कंसर्न टू द मार्केटर और प्रोड्यूसर्स लेकिन प्रोड्यूसर और मार्केटर डिस्ट्रीब्यूशन का या सेल्स का जो फंक्शन है मार्केटिंग जो फंक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के ऊपर छोड़ देता है और अपना सारा टेंशन अपना सारा ध्यान वो प्रोडक्शंस को बेटर और क्वालिटी बेटर करने में लगाते हैं द फाइनेंस रिक्वायर्ड है फॉर ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग फाइनेंस रिक्वायर्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग मार्केटिंग कैन प्रोफिटेबली बी यूज इन प्रोडक्शन वेट द रेट ऑफ रिटर्न वुड बी ग्रेटर तो जो फाइनेंस जो पैसा है यानी कहाँ किस फैक्टर में किस प्रोडक्ट product का प्रोडक्शन करने में किस प्रोडक्ट एक्टिविटी में ज़्यादा बेनिफिट होगा तो उनका वर्कलोड कम होने की वजह से वो अपना सारा ध्यान फाइनेंस के बेस्ट यूटिलाइजेशन में लगाते हैं तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शंस है जिससे वर्कलोड कम हो जाता है और वह अपने सारे समय को प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करने में लगाते हैं ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका बनता है नेक्स्ट है क्रिएटिंग टाइम्स एंड प्लेस यूटिलिटीज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टाइम एंड प्लेस यूटिलिटीज या क्रिएटिविटीज को इंक्रीज करता है इंक्रीज करता है प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर एट द प्रॉपर प्लेस क्योंकि कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के द्वारा ही प्रॉपर प्लेस पे प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर प्राइस पर इन चीज़ों कंसिडर करके प्रोडक्शन प्रोडक्ट product को कंज्यूमर तक पहुँचाता है कंज्यूमर को अवेलेबल कराते हैं तो यदि टाइम और प्लेस यूटिटी क्रिएट्स होने से प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है वैल्यू इंक्रीज होती है उनकी वैल्यू एडिड होती है जिससे कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होता है तो सही टाइम पर सही प्लेस पर प्रोडक्ट को अवेलेबल कराने में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का बहुत बड़ा हाथ होता है बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं सो वी कैन से कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टाइम और प्लेस क्रिएटिविटी को क्रिएट करने का भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं सो so, लास्ट में हम कह सकते हैं आफ्टर फंक्शन को डिस्कस करने के बाद कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इट इज क्लियर दैट कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल परफॉर्म मैनी फंक्शन विच आर बेनिफिशियल बोथ द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर तो जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इंटरमीडियरीज़ रिटेलर होलसेलर जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो कंज्यूमर के लिए बेनिफिशियल होते हैं और एज वेल एज द मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसर के लिए भी यूजफुल होते हैं आई थिंक आपके दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ दृष्टि चैनल डिस्कस करेंगे तब तक थैंक यू वेरी मच